था, बाढ़ आ गया है गांव में, हमारे काका आ रहे हैं, हम उनसे रिएक्शन लेते हैं कि गांव में क्या कहना चाहते हैं गांव के बारे में। काका आइए, कहाँ मछली खाना चाहते हैं और क्या। अब जान पूरा ग्राफ बन गया। इतनी खुशी मुझे कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई साहब क्या स्वैग है भाई, तो ये गऊआ में दिक्कत है, बाढ़ आ रहा है लेकिन उनको ये चिंता नहीं, गऊआ बजा रहा है भैया, मजा है उनके भाई, जब मछली खाए मिली। कंट्रोल उदय भाई साहब, इसी नाते भगवानों का आने लियो, शुरू थर्ड वेव के बाद बढ़वे लियो। अब की जे बचा है थर्ड वेव में, भाई साहब डूब के मर जाओ का हो यार, यार दिखाओ। तो यहाँ आप देख सकते हैं साहजी का बाढ़ कितना तेज है, जो सफेद सफेद दिख रहा है वो नदी है भाई साहब। ये जो है ये है यहाँ पुल, यहाँ चक्रोट है, चक्रोट पूरा गया है डूब, और यहाँ हम यहाँ है पूरा बंधा। आप यहाँ बंधा देख सकते हैं, बंधा दिखाइए, बंधा यहाँ आप देख सकते हैं कितना चौड़ा है, लेकिन वहां का जो बंधा है भाई साहब एकदम लेवल पे आ गया, मतलब कि यहाँ के जो बंधा कर्मचारी है एकदम यार एकदम जान लीजिए सो रहे हैं, इनको लग रहा है अगर इनको बोला भी जा रहा है तो बल्कि फन्ना के चढ़ रहे हैं कि भाई साहब हमको रुपया नहीं मिल रहा है। अब आप बताइए गांव वाले जाए कपटी हैं, मूड़ी पे रख रख अपने गांव वाले ले जाकर पाटेंगे, कौन पाटेगा। और एक बात ये सबसे पहले ये समस्या है, आप बंधा देखे होंगे कि वहां यहां बंधा कितना चौड़ा है, वहां बंधा एकदम यार जेसीबी से खुदवाया गया किनारे किनारे, एक आध महीना से दो महीना पहले बरसात से शुरू करवाना चाहिए। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ये है पूरा बंधा, और ये सो के लिए ऊपर से मिट्टी डाल दी है कि हमने देखो भैया हमने व्यवस्था कर दिया। ये है बंधा कर्मचारी, आप वहां देख सकते हैं महाशय जो, हाँ जिनके उस सर पे बाल नहीं है, वो है बंधा महाशय। तो यहाँ देखिए जेसीबी जो खुदवाया गया है, जेसीबी से कौन घास साफ हुआ था भाई साहब, देखिए यहाँ जो है पूरा इतना खींच लिया है कि वहाँ दरार बन चुका है वो फंडवा से, तो भाई साहब सफवाना, तो भाई साहब आप बताइए घास कौन जेसीबी सफवाता है यार, बंधवा का नुकसान और दस मुश्किल से 10 दिन हो रहा था, 10-15 दिन उससे पहले सफवा, 2 महीना पहले आप व्यवस्था काहे नहीं करते, यही है दिक्कत। जब बाढ़ आती है तो नाम कमाने के लिए रुपया कमाने के लिए चले आते हैं कि भाई साहब देखिए यहाँ बाढ़ है यहाँ व्यवस्था करिए, तो उससे पहले नहीं दिखता है इनको। और ये कहते हैं कि बगल में ये गड्ढा था, गांव वालों को सूचित करना चाहिए था, उसके लिए दिक्कत हो रहा, तो गड्ढा आपको 5 साल से आपके आंख में खूटा था भैया, नहीं दिख रहा था आपको, तो अब करो ना, अब करो भाई साहब, फिर दोबारा ये बाढ़ वाली समस्या ना, देखिए बगल में आ चुका है पानी, इनको नहीं दिख रहा अभी, और ये कह रहे बंधा ऊंच करवाएंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, सिर्फ यही होता है, 5 साल से गड्ढा इनको नहीं दिख रहा है। गांव बगल में बेटा, गांव हमारा जाएगा, गांव बर्बाद होगा, पानी भरेगा पूरा, बाढ़ आ जाएगा तो भोकार छोड़ के तो हम रोएंगे, भीख तो हम मांगेंगे, आप तो कुर्सी लगा के सिर्फ बैठ के आएंगे उसके बाद अपना चला जाएंगे कहकर, व्यवस्था नहीं हो रहा है, अगर कुछ बाढ़ आई भाई साहब इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। मतलब कहाँ साहब साहब कह जाओ कि बुढ़ उड़ के मर जाओ जाए, भगवान ये साहब एकदम ऐसा लग रहा है कि जासूस बैठाए हैं कि भाई साहब देखिए भाई, हाँ फोन करे लाला तो इन्हें अगर आराम से हो गए तो भेजी थे दूसरा, अच्छा ये भगवान दूसरों भी अब भेजो, इन्हें आराम से गच्छ है भाई साहब, अच्छा बेटा दूसरों को गच्छ है, अच्छा लो तीसरा लो, तीसरों में फिर कहा था ये भगवान तीसरों में तीसरा खत्म हो वाला है, ओकरबा कहा तीसरा खत्म, अच्छा ठीक है बाढ़ लो बाढ़, मतलब तीसरा में जो बचा हो बुढ़ उड़ के मर जाओ, ससुर हम मार डालना चाहते हैं, कहीं बता दे क्या हमने गलत कहा है, आदि गलत कहा है, गजब बेइज्जती है, देखो आपने कहा है मछली मार तरह कहा छाट पही है, देखा ये गांव के निवासी यही सब हैं, एक जनी मछली चाहिए एक जनी पते ना है का हो तो गांव में, कौन है ये लोग कहां से आते हैं, लड़के खुश हैं कि कटिया लगाओ थे और बड़वार खुश हैं भाई सब चौनी लगाओ थे। मौज है बाढ़ में, मैंने ये देखा तो बिहार में कितनी दुर्दशा है, भीख ना ही पावत है बेचारे, काहे कि वो निकल ही नहीं पावत है, यहाँ सब गच्छ है भाई साहब, बल्कि ये कहो
अगर कोई कह भी रहा कि भाई साहब का ऊंच करवाओ, कहा नाई साहब ये चूतिया है, कह दीस गलत, हम गलत कह रहे हैं बाकी सच्चाई आप बताइए, कमेंट में लिखिएगा। हम कह रहे हैं भैया, हमने कहा कि भाई साहब ये जिम्मेदारी आपकी है कि हमारे मूड़ी ले जाओ बनिवा पाटब। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी हो कि नहीं हो, तू दे ना अठू, बगल में ये था कि बगल में हो गया गड्ढा, पता नहीं कौन खुदवा दिया था। अब तू 2 साल से गड्ढा ना, 5 साल से गड्ढा है, तू ना दिखा रहा गड्ढा, कहा था उस पर गाँव वालों को बताना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। और तू कहा लो महीने महीने पाई था, ये कह रहे थे महीने महीने पाते, तू आनर हो गया ना, नहीं दिख रहा था आपको, आपको आप कार्रवाई करिए ना कि हमारे ले जाओ ऐसी रिपोर्ट लिखवाए। भाई साहब साहब कहने का अर्थ यही है कि बहना नहीं चाहिए भाई साहब। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ बस, क्योंकि वास्तव में हम गांव में रहते हैं, हमारे दिल से पूछिए। यहाँ दशाएं जो देखी जा रही हैं बिहार की, वो देखकर डर लग रहा है मंजर, पूरा हर 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 जगह घरे गिर रही हैं यार, पूरा घरा गिर जा रहा है, ससुरा मनइये तात बह जाते हैं, पते नहीं लग रहा है। तो वो मंजर नहीं देखना चाहते, इसीलिए हम पहले आवाज उठाते हैं और कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ गाँव में भी मस्त है, मछली मारत है, लियो मारो मछली। ये मेरी आवाज अपने गांव को बचाने की, अब चाहे इसमें आप बुराई समझिए या कुछ भी समझिए, आपको दिक्कत है। और ये कहना चाहते हैं कुछ गांव वाले भी हैं, उनसे अनुरोध है कि बनियमा काट के तू ना बनाओ अपना खेत, चार जने इसे बनिया काट के अपन खेत बनावे लागे, पूरा गाँव साफ हो जाए, ओकरे बाद बनाए तू लहसुन भौरो। इसीलिए आपसे अनुरोध है कम से कम उसको बंद करिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बाढ़ साजी में इतना भयंकर तरीके से आया है, लेकिन यहाँ की जो बंधा वाले सरकार है ये सो रहे हैं एकदम, और उनको कहा जा रहा है कि भाई साहब बंधा ऊंच का निकल रहा है, भाई ये कह रहे हैं भाई साहब उनको तो बजट ही नहीं दिया जा रहा, गाँव गाँव बही जायी तो इन्हें बजट मिली तो फायदा का है। चलिए इधर आ रहा है तो क्या राय है उनका, क्या कहना चाहते हैं तो सुनील बाबू आप क्या कहना चाहेंगे बाढ़ के बारे में, हमने बातें जो कही आप सुने ना, सुनील बाबू का गजब बेइज्जती है। तो बाढ़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे बाबू, जब बाढ़ आवत है तो आवे दे, ओकर रोक थोड़े पावल जाए। तो रोकने के लिए बाबू जब कहा जा रहा है, जो कुछ कर्मचारी आ रहे हैं ऑफिसर आ रहे हैं, बल्कि उनसे कहा जा रहा है कि पहले कहानी यूज करवाए, तो क्या हमने गलत कहा है? गलत नहीं, सही है। और जेसीबी से कौन खुदवाता है? एक आदमी से कहने से थोड़ी होगा, तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मैंने जो कर्मचारी वही तो कह रहे हैं, सही बात है यही, और एक आदमी हम बने हैं उसके बाद ये कह रहे हैं साहब ये गलत बोल दी, तो ये हमने गलत बोल दिया नहीं, नहीं। तो ये बात है। और यहाँ से आइए, आप क्या कहना चाहेंगे भैया? यार हम कह गए यार, कैमरे में आप मत भागिए, उनको शर्म लग रहा है भाई साहब घूमने दुल्हे में गए साफ समझ। बस भाई अरे भाई देखो अरे नहीं कुछ ना कुछ गांव में बाढ़ आई जाए, गांव में बाढ़ आई जाए तो क्या करबो। अच्छा हमने जो बात कही है कि वास्तव में ऊंच पहले से करवाना चाहिए था कि नहीं, नहीं तो सच्चाई है कि नहीं? हाँ। तुम्हें हमने जो बात कहा है नजाफ, एक बात बताइए सच्चाई है कि नहीं बातों में? बात सच्चाई बहुत है, बहुत सच्चाई है इसमें, लेकिन ऐसा करिए किसी एक आदमी को आवाज उठाने से कोई मतलब नहीं बनता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।